दोस्तों साउथ अफ्रीका सीरीज से पहले आई बुरी खबर, तो ऐसे में क्या कुछ है पूरी खबर की जानकारी और क्या है वो बुरी खबर, सब कुछ बताएंगे आपको इस खास रिपोर्ट में। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि यह सीरीज भारतीय टीम जीते तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों दक्षिण अफ्रीका की T20 वनडे कप्तान तेंबा बावा को लगता है कि फॉर्म में चल रहे डेविड मिलर भारत के खिलाफ 9 जून से शुरू हो रही 5 मैचों की T20 सीरीज में टीम को आत्मविश्वास देंगे। डेविड मिलर को IPL से मिले आत्मविश्वास को भारत के खिलाफ सीरीज में भी बरकरार रखने की उम्मीद करते हुए दक्षिण अफ्रीका के सीमित तौर पर कप्तान तेंबा बावा ने बयान दिया है। उनका कहना है कि वह राष्ट्रीय टीम के लिए मिलर के बल्लेबाजी क्रम में बदलाव को लेकर बात कर सकते हैं। मिलर ने गुजरात टाइटंस के लिए IPL में शानदार बल्लेबाजी की, उनकी टीम अपने पहले सीजन में IPL खिताब जीतने में सफल रही। बावा ने भारत रवाना होने से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, खिलाड़ियों को फॉर्म में देखकर हमेशा अच्छा लगता है। डेविड जैसे खिलाड़ी ने गुजरात टाइटंस के साथ IPL खिताब जीता और वह आत्मविश्वास लेकर टीम में आए। उन्होंने कहा, मिलर ने IPL में शानदार प्रदर्शन किया और मुझे उम्मीद है कि वह लय आगे भी कामयाब रहेगी। वह टीम में अभिन्न हिस्सा है और में उन पर भरोसा है और वो आगे भी रहेगा। वहीं तेंबा बावा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि अगर मुझे ऐसा लगता तो उन्हें बल्लेबाजी के लिए अधिक समय देने के कवायद में हम उनके क्रम में बदलाव कर सकते थे। हम टीम में उनकी पुख्ता जगह देते और अच्छे प्रदर्शन के लिए सभी खिलाड़ियों की मदद करने को तैयार रहते। IPL 2022 में डेविड मिलर ने काफी सफल रहे। उन्होंने अपनी टीम गुजरात टाइटंस के लिए 16 मैच खेले जिनमें 481 रन बनाए। वह 15वें सीजन में गुजरात टाइटंस के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले तीसरे खिलाड़ी रहे। IPL के सीजन में उन्होंने 2 शतक भी लगाए हैं। डेविड मिलर ने अपनी टीम को खिताब जिताने में अहम भूमिका निभाई है और अब ऐसे में दोस्तों भारतीय टीम को डेविड मिलर से इस सीरीज में बचकर रहना होगा। तो दोस्तों आपकी क्या राय है इस बारे में, अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।